हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कैशबुक का पार्ट नंबर 3 करेंगे, जिसके अंदर हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि हमारा डबल कॉलम कैशबुक का रहेगा। तो डबल कॉलम के अंदर हम कैश और बैंक कॉलम वाली कैशबुक को सोल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट है हमारी इसकी 2016 जून 1st कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। अब हमने कैश लगाकर बिजनेस शुरू करा है, तो सिंपल रूल क्या है कैशबुक का, अगर पैसे आ रहे हैं तो रिसिप्ट में डेबिट तरफ, अगर पैसे जा रहे हैं तो हमारी पेमेंट की तरफ जो कि हमारी क्रेडिट की साइड रहेगी। तो हमने बिजनेस के व्यू से देखना है सिंपली। तो हमने बिजनेस में कैश लगाया, अब बिजनेस के अंदर कैश लगाया है तो बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, तो इसलिए हम इसे लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। तो 1 लाख रुपीज हमारे कैश के कॉलम में रहेंगे क्योंकि हमने कैश लगाया है। सेकंड है हमारे पास ओपन ए करंट अकाउंट इन सेंट्रल बैंक एंड डिपॉजिट। अब हमने बैंक में अकाउंट ओपन करवाया है तो इसकी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अब देखो बैंक हमारा असेट है, असेट के बढ़ने पर डेबिट होगी क्योंकि असेट अगर बढ़ती है तो डेबिट होगी, और कैश है हमारा एक तरीके से कैश भी हमारी सेट है तो असेट्स के बढ़ने पर इसे भी डेबिट करना है। सिंपली बात क्या है, देखो हमारे पास बैंक है और कैश है, एक तरीके से ये हमारी लेजर पोस्टिंग है। अगर हमने जर्नल एंट्री बैंक टू कैश बनाई है तो हमने बैंक छुपा देना है और बचा क्या हमारा टू कैश, तो टू कैश वाली हमारी यहां एंट्री जाएगी, ठीक है टू को। अगर यहां हमने टू कैश लिखा है तो अमाउंट हमने जो लिखनी है वो है बैंक के कॉलम में 80,000 रुपीज। और इसी तरीके से अगर हमने टू कैश वाली है, अब कैश को हमने छुपाना है तो हमारे पास यहां आ जाएगी बाय बैंक, और यहां हमने जो लिखना है कैश के कॉलम अमाउंट। तो इस ट्रांजेक्शन को हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं क्योंकि इसके हमारे डबल इफेक्ट है एक तरीके से, कि कैश हमारा जा रहा है और बैंक वाले कॉलम में पैसा आ रहा है। तो हमारी कॉन्ट्रा एंट्री वह रहेगी जिसके अंदर बैंक और कैश दोनों आए, अगर बैंक डेबिट है कैश क्रेडिट है तो भी कॉन्ट्रा है, अगर कैश हमारा डेबिट है बैंक हमारा क्रेडिट है तो भी वो कॉन्ट्रा मानी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारी फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस ₹50,000 आउट ऑफ विच 40,000 डिपॉजिट इन टू दी बैंक। अब हमने देखो 50,000 पे बिजनेस के अंदर दोबारा लगाए हैं तो मतलब ये भी एक तरीके से कैपिटल है, लेकिन इसके अंदर से हमने 40,000 रुपीज को बैंक में डिपॉजिट करवा दिया तो बैंक वाले कॉलम में 40,000। अब रिमेनिंग जो बच गए वो हमारे कैश के कॉलम में 10,000 रुपीज। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल ऑन क्रेडिट। अब हमने क्रेडिट में गुड्स परचेज करा है तो जितनी भी एंट्री क्रेडिट की होती है वो हमारी कैशबुक के अंदर कभी भी रिकॉर्ड नहीं होती क्योंकि कैशबुक के अंदर सिर्फ ओनली कैश ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करते हैं। फोर्थ है पेड टू गोपाल, गोपाल को रुपए पे करे और डिस्काउंट मिला, जबकि देखो हमारे पास कैशबुक के अंदर 2 कॉलम है कैश और बैंक का, तो डिस्काउंट का कॉलम नहीं है तो इसलिए हम डिस्काउंट को भी इग्नोर मारेंगे। तो हमारे पास क्या है पेड टू गोपाल, तो गोपाल को पैसे पे करे हैं तो हमारे पास पैसे जाएंगे तो बाय गोपाल, तो गोपाल वाले अकाउंट में हमने लिखने हैं इसमें 36,000। अब पेड बाय चेक है तो हमारे इसे बैंक के कॉलम में इसे रिकॉर्ड करेंगे 36,000 रुपीज। नेक्स्ट हमारे पास 8th सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट, तो राम को क्रेडिट में हमने माल सोल्ड करा तो ये भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी। रिसीव चेक फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब देखो राम को जब हमने सोल्ड करा था वो 7500 का गुड्स, लेकिन उसने 7,230 रुपए दिए हैं तो मतलब 270 रुपए का हमारा उसको डिस्काउंट है एक तरीके से, तो जिसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि फुल सेटलमेंट का मतलब ही डिस्काउंट होता है। तो अब हमें रुपए मिले हैं राम से तो मिलने पर इसे हम लिखेंगे यहां पर 10 को टू राम, और 7,230 रुपए मिले हैं तो इसे रिकॉर्ड कर देंगे कैश वाले कॉलम में। नेक्स्ट है हमारे पास, लेकिन इसमें चेक मिला है तो चेक मिला है इसलिए हम चेक वाले में रिकॉर्ड करेंगे बैंक वाले में। नेक्स्ट है हमारी कमीशन पेड टू एजेंट, एजेंट को कमीशन दिया है तो मतलब पैसे जाएंगे, अब ये बताया नहीं चेक दिया है कि कैश दिया है तो इसे हम कैश मानेंगे, तो 11th को बाय कमीशन, तो ये आ जाएगी हमारे पास 650 रुपए।
चेक रिसीव्ड ऑन 10 जून डिपॉजिट इनटू बैंक। अब जो हमें 10 तारीख को चेक मिला था उसको हमने 12 तारीख को डिपॉजिट करवा लिया, तो इसका मतलब ये हुआ जो 10 तारीख को हमें चेक मिला था उसकी जो जर्नल एंट्री हुई होगी चेक इन हैंड टू राम, तो हमारी ये एंट्री हुई होगी। अब 12 तारीख को हमने जमा कराया है तो 12 तारीख को एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। तो इसलिए जो 10 तारीख को हमने एंट्री करी थी वहां पर हमने टू राम नहीं लिखना, क्योंकि हमने वो चेक उसी दिन जमा नहीं करवाया बल्कि हमने दो दिन बाद जमा कराया है। तो इसलिए जहां हमने टू राम लिखा है उसकी जगह हमने यहां पे चेक इन हैंड करना है। तो आपको जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको एक बार पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ लेना चाहिए ताकि आपको पता लग जाए कि कहां हमारा चेक इन हैंड वर्ड यूज होगा, कहां हमारा सीधा नाम वर्ड यूज करना है हमने। तो ये इसमें हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है हमारे पास, लेकिन इसके साथ में डेट भी हम चेंज कर लेंगे, यहां पर आ जाएगी हमारी 12 क्योंकि हमने 12 को जमा कराया है। नेक्स्ट है ऑफिस फर्नीचर परचेज्ड इन कैश। अब हमने ऑफिस फर्नीचर खरीदा है नगद, तो हमने हमारे पास पैसे जाएंगे तो बाय फर्नीचर, या बाय इसको हम ऑफिस इक्विपमेंट भी लिख सकते हैं क्योंकि ऑफिस के लिए हमने परचेज करा है, तो यहां पर आ जाएगी हमारे पास 12,015 की। ये हमने जो परचेज करा है कैश से तो 12,000 कैश में आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पेड फॉर रेंट, तो 550 रुपये हमने रेंट के पे करे हैं तो 1600 लिख के बाय रेंट, ठीक है, तो यहां हमारे इस वाली अमाउंट में आ जाएंगे कैश के कॉलम में 550 रुपये। नेक्स्ट है ड्रॉ चेक फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए हमने चेक निकाला, तो इसकी जो जर्नल एंट्री बनेगी हमारे पास ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, तो हमारे पास यहां पर पैसे जा रहे हैं तो हमने लिखना है बाय ड्रॉइंग, और डेट हमारी आ जाएगी इसकी 18 और 2000 रुपीज हमारे बैंक वाले कॉलम से हमने लेस कर देने हैं। नेक्स्ट है हमारी सोल्ड गुड्स टू घनश्याम ऑन क्रेडिट। अब उधार है तो इस एंट्री को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। 24 की है रिसीव्ड फ्रॉम घनश्याम चेक 4,5,000। अब देखो घनश्याम को सोल्ड करा मैंने गुड्स 20,000 का, अब उससे मैंने 20,000 लेने हैं बट रिसीव उससे चेक हो रहा है मेरे को जो कि 5,000 का, ठीक है, इमीडिएटली डिपॉजिट इन टू बैंक, बैंक में हमने डिपॉजिट भी करवा दिया एंड कैश डिस्काउंट अलाउड है 400 रुपए का, मतलब कि टोटल मुझको 9,000 रुपए मिले हैं घनश्याम से, जिसके अंदर से 5,000 का हमारे चेक है, ठीक है, 3600 रुपए वो नगद दे रहा है और 400 रुपए का हमने इसको डिस्काउंट अलाउड कर दिया, तो डिस्काउंट अलाउड को तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब हमें पैसे मिले हैं तो इसलिए यहां पे लिखेंगे टू घनश्याम, तो 3600 का चेक मिला है, कैश मिला है और 5,000 का हमें चेक मिला है, तो डिस्काउंट अलाउड को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि पैसे आए हैं और इसलिए इसको डेबिट साइड में हमने रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट है 25 की विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए बैंक से पैसे निकलवाए हैं तो इसकी जर्नल एंट्री है कैश काउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो ये भी हमारी काउंटर एंट्री है, कैश टू बैंक है तो हमने यहां पर तो लिखना है टू बैंक अकाउंट और यहां लिखना है हमने बाय कैश अकाउंट, और ये हमारी काउंटर एंट्री हो चुकी है दोनों, और डेट हमारी आ जाएगी 25, तो हमारे पास इसकी अमाउंट आ जाएगी 10,000। बैंक का कॉलम है, बैंक वाली अगर यहां बैंक लिखा है तो यहां हमने कैश लिखना है कैश के कॉलम में, अगर यहां कैश है तो इधर हमने बैंक वाले कॉलम में रुपए लिखने हैं। नेक्स्ट है 25 रिसीव ए चेक फ्रॉम एक्स एंड एंडोर्स टू वाई ऑन 29 जून। अब देखो एक्स से अगर हमें चेक मिलता है तो हम इसकी एंट्री सिंपली कर देते बैंक टू एक्स, बट ये चेक हमने 29 को वाई को दिया है और ये चेक जो हमें मिला है वो हमने उसी टाइम डिपॉजिट भी नहीं कराया, तो डिपॉजिट नहीं कराया तो बैंक उस टाइम डेबिट नहीं करेंगे, तो उस टाइम इसकी हम जर्नल एंट्री जो बनाएंगे चेक इन हैंड टू एक्स, ये जो एंट्री बनेगी ये तो बनेगी 25 को,
बट 29 को जो हम एंट्री करेंगे वो हम करेंगे वाई अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। तो इस पूरे जो एंट्रीज में दोनों में ना हमारा कैश वर्ड यूज हुआ कहीं, ना हमारा बैंक वर्ड यूज हुआ, तो इसलिए इस एंट्री को हम कहीं रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो 25 हमारी एंट्री कट जाएगी, क्योंकि इसका रीजन क्या है, कहीं पर भी कैश वर्ड नहीं यूज है, ना ही कहीं पर बैंक वर्ड यूज है, तो इसलिए इस एंट्री को हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। 26 है सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट, क्रेडिट वाली एंट्री को भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है 28 रिसीव्ड ए मनी ऑर्डर फ्रॉम मोहन, मोहन से मनी ऑर्डर मिला है, मतलब हमें कैश मिला एक तरीके से, तो कैश मिला है तो रुपए आ रहे हैं, तो 28 टू मोहन, तो हमारे पास इसकी अमाउंट आ जाएगी 300 की। नेक्स्ट है पेड सैलरी बाय चेक, सैलरी के रुपए हमने चेक से दिए हैं, तो बाय सैलरी 8000 रुपीज की आ जाएगी, तो डेट आ जाएगी हमारी इसकी 30। तो ये इस तरीके से हमने सभी एंट्री पास कर लेनी है। अब हमने क्या करना है, इन सब का टोटल करना है। पहले हमने बैंक वाले का टोटल करना है, ठीक है, क्रेडिट वाले का भी और डेबिट वाले का भी। तो पहले हमने इनका रफली टोटल करना है। तो इधर से हमारे पास जो बैंक वाले का टोटल आएगा वो है 1,32,230 रुपये, और इधर के बैंक का अगर टोटल करते हैं वो है हमारे पास 56,000 रुपये। तो हमारे पास जो कमी है इस तरफ है, क्योंकि इधर वाला ज्यादा साइड है, इधर हमारे कम है, तो जितने रुपए कम है उसको हमने बाय बैलेंस सीडी करके लिख देना है। तो हमने डिफरेंस निकालना है, इन दोनों को आपस में माइनस करना है, माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसको हमने यहां पुट कर देना है बैंक वाले कॉलम में, तो ये बनेगी 76,230 रुपये की। इसी तरीके से सेम हमने कैश वाले का टोटल करना है, डेबिट का अलग, क्रेडिट का अलग। तो डेबिट साइड का जब हम टोटल करेंगे वो आएगा 1,23,900 रुपये, और जबकि हम क्रेडिट का टोटल करेंगे वो आएगा 93,200 रुपीज। तो इधर भी हमारा डेबिट का ज्यादा है, क्रेडिट का कम है, तो जितना भी इन दोनों का डिफरेंस है उस डिफरेंस को हमने बाय बैलेंस सीडी में रख देना है, जो कि ये बनेगा 30,700 रुपये। तो अब हमने इनका टोटल करना है, ये हमारा इक्वल रहेगा टोटल, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1,23,900 रुपये, 1,32,230 रुपये, तो सेम ये भी 1,23,900, 1,32,230 रुपये। तो अब हमने क्या करना है, इस बैलेंस सीडी को, ठीक है, इस बैलेंस सीडी को हमने टू बैलेंस पीडीबी करना है, और इस बैलेंस सीडी की जो डेट रहेगी इस मंथ की लास्ट डेट रहेगी जून की, और जून में हमारे 30 ही डेज होते हैं, तो लास्ट डेट हमारी 30 आ जाएगी। अब हमने इस 30 से अगली डेट लिखनी होती है यहाँ पे 1। अब जून था, जून का मंथ था हमारा यहाँ पे, तो अगला मंथ जो होगा हमारा यहाँ पे जुलाई का, तो इसे लिख देंगे हम जुलाई 1, तो इसे कर देंगे हम टू बैलेंस बीडी, तो 30,700 रुपये और 76,230 रुपये। तो ये था हमारा क्वेश्चन कैश बुक का, जिसके अंदर हमारे दो कॉलम होंगे, कैश वाले और बैंक वाले। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।